नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। मुझे आप लोग नजर नहीं आ रहे, आपको मैं नजर आ रही हूँ। वीडियो आ रहा है, ऑडियो आ रहा है? अच्छा, अभी भी कुछ लोगों का इंतजार है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। वैसे भी तैयारी में फ्राइडे को थोड़ा वक्त लग जाता है, लेकिन प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। एक बल्कि अभी बड़ी किसी से बात हुई तो उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा एक लतीफा सुनाया कि एक आदमी ने बस कंडक्टर से पूछा कि तुम कितने घंटे बस में रहते हो, तुम कितने घंटे बस में रहते हो? उसने जवाब दिया 24 घंटे। उसने कहा वो कैसे? कहता 8 घंटे मैं बस में रहता हूँ, बाकी 16 घंटे बीवी के बस में रहता हूँ। तो जो लोग अभी तक यहाँ पहुंचे नहीं है, मुझे लग रहा है कि वो या तो बीवी के बस में है या बस के बस में है। बहरहाल एक छोटी सी नज़म, मेरी यहाँ एक बहुत ही अच्छी दोस्त बैठी है अनीता, उन्होंने कहा है कि थोड़ी सी शायरी से शुरुआत कीजिए, तो आपकी तवज्जो चाहूंगी ताकि फिर प्रोग्राम को हम बिल्कुल एक सिलसिले से शुरू करें। अनीता जी, आपके लिए। जिंदगी के मेले में ख्वाहिशों के रेले में, जिंदगी के मेले में ख्वाहिशों के रेले में, तुमसे क्या कहे जाना इस कदर झमेले में। वक्त की रवानी है, वक्त की गिरानी है, वक्त की रवानी है, वक्त की गिरानी है, सख्त बेजवीनी है, बेसख्त लामकानी है। तखलिए की बातों में गुफ्तगु अजाफी है। तखलिया कहते खामोशी में जब आप अकेले बैठे होते हैं। तखलिए की बातों में गुफ्तगु अजाफी है, प्यार करने वालों को एक निगाह काफी है। हो सके तो सुन पाओ एक दिन अकेले में, हो सके तो सुन पाओ एक दिन अकेले में, तुमसे क्या कहे जाना इस कदर झमेले में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो आइए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। प्रोग्राम की थीम रखी गई है 90s के सॉन्ग। तो जब 90s की बात हुई तो मुझे ख्याल आया कि ये 90s के सॉन्ग ही क्यों चुने गए, क्योंकि मैंने नोट किया या तो हम बिल्कुल पीछे चले जाते हैं, जिसको देखिए सब किशोर साहब गा रहे हैं या मुकेश साहब गा रहे हैं, या फिर हम बिल्कुल ही यहाँ आगे की तरफ आ जाते हैं, तेरी गलियाँ गाते हैं। तो बीच का जो टाइम है उसको हम याद करना बड़ा ज़रूरी था। तो 90s की शुरुआत में आपको अगर याद हो, एक ऐसा वक्त आया था कि जब म्यूजिक की ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी, कम्प्लीटली म्यूजिक चेंज हुआ, सिंगर्स चेंज हुए, कंपोजर चेंज हुए, सॉन्ग राइटर्स चेंज हुए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक किया। आप में से किसी को याद है 90 का कौन सा एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक है? किसी एक को याद है? सबसे बड़ी बात कि जितना वेस्टर्न म्यूजिक था वो 90s में आने लगा, और आहिस्ता आहिस्ता जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू जी, बिल्कुल थैंक यू। ये बहुत बड़ा था क्योंकि उन्होंने थोड़ा वेस्टर्न स्टाइल को अपने में लाए, और फिर लोगों ने अपने बाकायदा वो एल्बम बनाने भी शुरू कर दिए। एक्चुअली 90s को कम्प्लीटली फेज ऑफ ट्रांसमिशन कहा जाता है, जहाँ पे वेस्टर्न म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंट में चेंजेस आए, बड़े बड़े आर्टिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने बड़े बड़े एल्बम्स बनाए। फिर 215 में भी कुछ चीज़ें मुझे आज तक समझ नहीं आई हैं, वो एक है कि ये रीमिक्स भी 90s में हुआ था, जो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मुझे दो चीज़ें समझ नहीं आती, एक रीमिक्स और एक रीफ्राइड बीन्स, इन दोनों की मुझे समझ नहीं आती कि ये किस तरह होता है। बहरहाल तो ये तब्दीलियाँ आती गई, लोगों में एक कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ और उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किए। मगर मैं ये नहीं कह रही कि आजकल का म्यूजिक अच्छा नहीं है, लेकिन आजकल के म्यूजिक में एक शेल्फ पे जो आपकी प्रोडक्ट होती है वो लॉन्ग लिव रहने की वो साहियत नहीं है। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम अगर सोचें, अब मैं आपको चंद मूवीज के नाम लूंगी कि यू विल बी सरप्राइज कि उन मूवीज में आप 90s में कितना उन्हें पसंद कर चुके हैं। अच्छा, इससे पहले मैं नाम लूँ, आप में से किसी को नाम पता है 90s की मूवीज का? सर जी तुसी ते गाली मुकारती है। दिल तो पागल है, बिल्कुल दिल तो पागल है। और इसके अलावा जो फिल्मों के नाम थे, बेटा, मोहरा, आशिकी, दिल, साजन, बाजीगर, इसके अलावा सड़क, डर, दिल है के मानता नहीं, राजा बाबू, हम है राही प्यार के, जो जीता वही सिकंदर, और बहुत सारे, और एक बहुत मशहूर खलनायक, खलनायक इज अ 90s मूवी।
That's a huge movie. अगर आप लोग सुने तो बहरहाल ये तमाम मूवीज का जो गाने हैं वो अब भी लोग वैसे ही पसंद करते हैं. और अच्छा दिल तो पागल है पे सर मैं आपको एक बड़ा अच्छा एक छोटा सा जोक सुनाती हूँ. अब पिछले दिनों मुझे टर्की जाना हुआ. टर्की ये वो थैंक्सगिविंग वाली टर्की नहीं है, कंट्री वाली. ये भी मैं जब कहती टर्की तो लोग कहते थैंक्सगिविंग तो नहीं आया. तो वहाँ गए तो वहाँ का एक तरीका है कि वहाँ आपको सलाम दुआ कुछ नहीं करते, सिर्फ ये पूछते हैं कि वे यू फ्रॉम. तो पहले तो मैं बड़े मजे से बता दी, फिर मुझे समझ में आई ये पूछ क्यों रहे हैं. वो हुआ फिर जब उनसे हमने बात नहीं करते थे ना तो वो खुद ही देख के कहते थे दिल तो पागल है. आई स्वेयर टू द गॉड वहाँ पे बच्चे बच्चे को दिल तो पागल है सॉन्ग टर्की में पता है ना. वो हिंदी बोल सकते हैं ना वो इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप उनसे बात करने की कोशिश करो तो वो दो जुमले जरूर कहेंगे, दिल तो पागल है और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे. दीज आर द 90s हिट, देखिए अभी तक वहाँ मौजूद है. बहरहाल इन तमाम गानों के बाद आहिस्ता आहिस्ता मूवीज में भी आपने नए चेहरे देखे. अब इन मूवीज से आपको कनेक्टेड तीन बहुत ही मशहूर लोग होंगे जिनके बारे में 90s से ताल्लुक है. शाहरुख खान, यस, हालांकि 89 में आए बट इट्स वेरी क्लोज टू 90. शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, ये सारे 90s के प्रोडक्ट्स हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द 90s. अब हम 90s के गानों का पहला सेगमेंट शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपनी एक बहुत अच्छी सिंगर को. ये मेरी सिंगर जो है मुस्कुराती बड़ा प्यारा, बहुत सुरीली आवाज है, खूबसूरत आवाज है और जब इनको देखो ना एक लगता है शांति आ गई, मगर उनका नाम शांति नहीं है. हाँ मतलब आपको शांति शांति करे. तो बहुत ही इन्होंने म्यूजिकल बैंड के साथ गाया है, बहुत परफॉर्म किया है. बेरिया में पली बड़ी है और अपने वालिद साहब से म्यूजिक सीखा और शायद इसीलिए इनमें इतनी अच्छी म्यूजिक जो सलाहियत है. तो आप सबकी तालियों में मैं सबसे पहले बुलाऊंगी अनुजा सुरलाकर. प्लीज गिव हर अ बिग हैंड. Oh,
थैंक यू अनुजा, मैंने कहा था ना कितनी शांति आ रही है. थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल सॉन्ग. नेक्स्ट सिंगर थीम्स 90s के सॉन्ग्स जो हमारे ये आर्टिस्ट हैं, ये आपके जाने पहचाने हैं. आज का प्रोग्राम भी इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है और प्रोग्राम जब ऑर्गेनाइज करना, यकीन जानो ये एक अलग ही कहानी है. उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं ओनली द ऑर्गेनाइजर नोज. हमारे इस सिंगर्स को 12 साल की उम्र से गाने का शौक हुआ. मैं नाम नहीं बताऊंगी, देखती हूँ आपको नाम पता चलता है कि नहीं. 12 साल की उम्र से इन्हें गाने का शौक हुआ. बहुत अच्छा तबला बजाते, हारमोनियम बजाते, स्कूल भी चला रहे हैं. अगर आप में से कोई इन्हें ज्वाइन करना चाहे, बेरिया के बहुत सारे फैमिली प्रोग्राम्स को अटेंड करते हैं और बहुत अच्छा गाते हैं और काफ़ी इन्वॉल्व हैं कम्युनिटी में, गुजराती कम्युनिटी में, खासतौर पर डांडिया वगैरह में. इनका बहुत ही अच्छा बेहतरीन साथ है, बल्कि कहना चाहिए जहाँ पे डांडिया गुजराती प्रोग्राम्स होते हैं इनको ज़रूर कहा जाता है. बकौल मैंने तो ये भी सुना है कि इनको डांडिया किंग भी कहा जाता है. वेरी गॉड गिफ्टेड हमारे और आपके सबके जाने हुए डिम्पल पटेल, प्लीज ज्वाइन. Hey.
सोचेंगे तुम्हें प्यार करके आप लोग इतना अच्छा बजा रहे हैं, आप लोगों का तो अलग से क्लास होगी थोड़ी देर में. पर एनीवे, मैं अपनी जो अगली सिंगर है, शी इज अ आईटी प्रोफेशनल. खैर वो तो फैशन म्यूजिक का तो है हम सब में, बट शी हैड अ कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक बैकग्राउंड फ्रॉम इंडिया. हंसी मुस्कुराती है, बहुत सालों से हम लोग दूसरे को जानते भी हैं और बहुत साथ काम करने का मौका भी मिला. बल्कि एक तो बहुत एक शो में काम करते करते हम दोनों अपना अपना काम छोड़ के डांस करने लगे. वो तो शुक्र है पीटर जी ने हमें फायर नहीं किया था. पीटर जी इज हियर, राइट? यस, हेलो पीटर जी, थैंक यू फॉर लेटिंग अस डू व्हाट वी वांट. थैंक यू. सो एनीवे, तो हम लोग अपने शुगर में लग गए बिकॉज शी इज सच अ फन पर्सन, वेरी टैलेंटेड, वेरी मच पैशन अबाउट द म्यूजिक, डांसिंग, मॉडलिंग, एक्टिंग, पूरा पैकेज है जी हमारी दोस्त. तो अब इनको मैं आपकी तालियों में बुलाऊंगी, इन्हें इनके लिए ढेर सारी तालियां. और मैं बुलाऊंगी अब दीप्ति वेंकट को. दीप्ति, आज मैंने डांस नहीं करना आपके साथ, प्लीज गिव देम अ बिग हैंड.
Thank you, Deepti. Thank you, Deepa ji. The next singer, एक और हंसती मुस्कुराती आर्टिस्ट. इसके अलावा मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज सपोर्ट योर लोकल टैलेंट और लाइव बैंड, प्लीज. दिस इज अ रिक्वेस्ट, क्योंकि हमारे जो लोकल टैलेंट्स हैं, थैंक यू, हमारे जो बेरिया में इट्स कम्प्लीटली अमेजिंग सिंगर्स आर हियर. और आपने ये देखा कि इतना लिमिटेड हमारा जो भी मतलब यू नो एवरीथिंग एक्सपेक्ट के मतलब उसके ऊपर पैसे भी लगते हैं, वक्त भी लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी इतने अच्छे सिंगर्स हमारे यहाँ मौजूद हैं. तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग देम एंड प्लीज कीप देम इन योर माइंड. तो मेरी जो अगली आर्टिस्ट हैं वो भी हंसती मुस्कुराती हैं, और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने क्लासिकल म्यूजिक भी सीखा है. जब मैंने इनसे पूछा कि आपने ये शुरुआत कैसे की, तो कहते बॉम्बे में क्लासिकल स्कूल से इन्होंने शुरुआत की. सेमी क्लासिकल भी गाती हैं और गजल भी गाती हैं. सबसे अच्छा मुझे अभी पता चला कि इनकी कल बर्थडे भी थी, तो सबसे पहले तो हम इन्हें हैप्पी बर्थडे करते हैं. हैप्पी बर्थडे पूजा पुरंदरे, प्लीज आप इधर तो आइए जरा. हैप्पी बर्थडे पूजा, यहाँ आइए. मैंने आपको अभी आपने मुझे इतने शॉर्ट नोटिस से बताया है, तो नहीं नहीं आप अपनी तो भी पूरा वीकेंड है भाई, तो मैंने आपके लिए एक शेयर किया है, ये सबसे सस्ते मिला है मुझे. आप मुझे पहले बताते तो मैं पहले कुछ करती. ये पूजा के लिए इनकी सालगिरह है कि तुम्हारी सालगिरह पर दुआ है ये मेरी कि ऐसा रोज मुबारक दिन बार बार आए, तुम्हारी हंसती हुई जिंदगी की राहों में हजारों फूल लुटाती हुई बाहर आए. हैप्पी बर्थडे माय डियर. प्लीज गिव हर अ बिग हैंड. पूजा प्रांद्रे.
साल से इंडिया और यूएसए में लाइव परफॉर्म कर रहे हैं, बल्कि लाइव बैंड के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत सारी चैरिटीज के लिए भी काम किया है। सिस्को में आईटी प्रोफेशनल है। एक तो सारे आईटी वाले आज जमा हो गए, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे। तो आईटी प्रोफेशनल है, वेरी प्राउड ऑफ देम कि म्यूजिक के लिए भी कितना वक्त निकालते हैं। अपने पैशन के लिए वक्त निकालना बहुत बड़ी बात है। श्री महेश कॉलेज साहब से इन्होंने क्लासिकल म्यूजिक सीखा है और आज तक सीख रहे हैं। और अच्छा फनकार वही होता है जो हर सारी जिंदगी सीखने का अमल जारी रखता है। प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड। मगर एक बात जरूर होगी, जब मैंने इन्हें पहली बार सुना तो ये किशोर कुमार का गाना गा रहे थे, तो मुझे पूरा यकीन आया कि ही इज रियली डीपली इन्वॉल्व विद अ वेरी गुड म्यूजिक, वेरी डीप म्यूजिक। सो तालियों की गूंज में, और मैंने असल में उनका थैंक यू भी करना है कि उनकी वजह से इस वक्त मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ। थैंक यू सो मच सचिन श्रीवास्तव, प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड। मैं खुद आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपको पता है। So, thank you very much. Annie ji is always very kind. और पहले मैं चाहूँगा a big hand to Annie ji. She has been, I just keep listening to her whenever I hear. And I would first like to ask you guys, how's your evening? Like, आपको ये band हमारा कैसा पसंद आ रहा है? Wonderful. Thank you very much. So, I'll just take a brief moment आपका समय और introduce कराऊँ इनको. This is Dhoom the band, James और Shiraz का. They have been running it for quite some time, I think for more than 10 years. Achha, theek hai, tumhare hi bas. I'm just kidding. So, these musicians, first of all, you would have seen them, kahin na kahin aapne zarur dekha hoga, even though with visiting celebrities, Pillay saab, aur bahut saare jaane maane fankaron ke saath, aur Bay Area ke तकरीबन सारे शोज में आपको कोई ना कोई इनमें से जरूर दिख जाएगा। एंड यू नो यू विल ऑलवेज सी देम एंड दे आर ब्रिलियंट म्यूजिशियंस। सो स्टार्टिंग विद लीड गिटार मिस्टर कमाल, थैंक यू। एंड जेम्स प्रसाद ऑन बेस गिटार, मिस्टर शिराज इज सो टैलेंटेड एंड यू नो ही हैज बीन प्लेइंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। एंड ये मेरा छोटा भाई आशु, यू आप कैसा मजा आ रहा है आपको बीट्स का? तो ही इज एवरीवेयर, बहुत बढ़िया बजाते हैं एंड यू नो इंशाल्लाह बहुत बहुत सुनेंगे आप। और मिस्टर यश चंद्र ऑन ड्रम्स, सॉरी ये मेहरान है इसलिए ही इज बीन सिटिंग देयर बिकॉज यू नो स्टेज उतना बड़ा नहीं है, बट यू कैन हियर हिज थंपिंग बीट्स, दैट आई प्रॉमिस यू, एंड ही इज गोना रॉक। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेकिंग हिज डेब्यू हियर टुडे in a Hindi professional Bollywood show, sorry if I may call it professional, right, is Srikant Pillay. So
His father is a very famous Arun. May I ask you to please stand up? Arun Pillay. His father is a very, very famous Congo Bango player. Agar aapne media ke aur events attend kiye honge to ye itne bade bade to Congo Bangos hote hain. Usko ye jab bajate hain to ye, but he's really taking a break. He's a big time manager, milking money, lot of money. I'm just kidding. So you'll hear Srikant's talent and zyada waqt na lete hue a song from one of Shah Rukh Khan's very famous movie, very close to my heart, and I'm sure yours. So let's hit it. Oh,
Thank you.